दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 52 मोल ऑफ आर्गन। तो नंबर ऑफ एटम का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 52 दे रखे हैं और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10^23। ये एवोगैड्रो नंबर होता है और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अपन 52 को 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को अप्रॉक्स आंसर 3.131 इंटू 10^25 आएगा। तो ये पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व होगा। सेकेंड पार्ट है 52 U हीलियम। इसको करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि एक एटम जो होता है ना हीलियम का, उसका मास होता है 4U, 4U मास होता है वन एटम का। तो इस हिसाब से 52U में कितने एटम होंगे, X मान लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, इसका तरीका है X1 by X2 बराबर Y1 by Y2। Means 4/52 equals to 1/x। तो इसका मतलब x हो गया 52/4, मतलब 13 एटम हो जाएंगे। भाई एक एटम का 4 है तो कितने एटम का 52 होगा, आंसर 13 एटम का। अब इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम्स होंगे। तीसरा पार्ट के लिए वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास इस बार 52 ग्राम है और मोलर मास होता है 4 ग्राम, तो इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 13 जा 52। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 78.286। अगर आप चाहें तो एक पॉइंट को आगे खिसका सकते हैं तो 10^24 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।